हेलो दोस्तों, हमारे चैनल प्रवासी मित्रों का स्वागत है। आप हमारे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज कुछ मैथ के क्वेश्चन लेकर उपस्थित हूँ, वो भी संख्या पद्धति से। ठीक है, दो अंकों की संख्या से रिलेटेड, जिसको आप सिर्फ ऑप्शन से बना सकते हैं। वैसे क्वेश्चन को ऐसे क्वेश्चन को आप समीकरण ना बनाएं तो अच्छा रहता है। ठीक है, एक तरह से इजी टाइप में है, देख लीजिए थोड़ा सा। दो अंकों की संख्या के अंकों का योग 12 है। यदि संख्या स्तंभ परस्पर बदल दिया जाए तो संख्या में 18 की कमी हो जाती है। ठीक है, तो परस्पर बदलते हैं, 18 की कमी जिसमें होता है उसको चेक कर लेते हैं। बस यही करना, ऑप्शन से बना देना है। तो क्या हो जाएगा, ये 39 हो जाएगा और ये घटाते हैं तो कितना आएगा, 13 9 4 और इधर में 8 3 5। यहाँ से तो नहीं आया, इसको यदि हम चेंज कर लेते हैं तो कितना होगा, 48 बदल लेंगे तो ये 6 और 7 4 3 36 और 7 5 है तो क्या हो जाएगा, इसको 57 कर देते हैं। ये घटाए 15 7 8 और 6 5 18। बस इस तरह से क्वेश्चन को यदि रहे ना तो ऑप्शन से चेक करके ही बना लेते हैं। तो ये 18 आ गया। नेक्स्ट देखते हैं, दो अंकों की संख्या अंकों का योग का 5 गुना है, ऐसी दो अंकों की कितनी संख्याएं संभव है। ठीक है, दो अंकों की संख्या जो अंकों का योग का 5 गुना है, तो अंकों का योग का 5 गुना देखना है। तो ये 9, ये भी 9, ये 6 6 12 8। 5 गुना देखिए, 9 का 5 गुना कितना होता है, 45, यानी कि ये संख्या है बी नंबर। ठीक है, और नहीं तो आप ये फॉर्मूला यूज कर सकते हैं इसके लिए, x बटा y बराबर n माइनस 1 बटा 10 में से माइनस n कर लेना है। ठीक है, तो n कितना है, 5, 5 में से 1 गया 4, n गुना 5 गुना है, यहाँ भी 10 में 5 गया, ये कितना 4/5, तो इकाई और दहाई है x बटा वाई, इसलिए संख्या कितना 45। नहीं वो यूज कीजिए तो ये फॉर्मूला यूज कीजिए। इस पे और एक क्वेश्चन देखिए, दो अंकों की संख्या अंकों का योग 6 गुना है, ऐसी दो अंकों की संख्या संभव है। 6 गुना है ना अंकों का योग का, 9 12, ये कितना 9 और ये 15, तो ये देखिए 6 गुना 54 हो गया। इसको भी आप उसी फॉर्मूला पे बना सकते हैं, 6 - 1 और 10 - 6 बराबर कितना, 5 और यहाँ से 4 यानी कि 54। ठीक है, फिर देखते हैं, दो अंकों की संख्या ऐसे है कि जब इसके अंकों को पलट दिया जाए तो नई संख्या पुरानी संख्या से 54 अधिक है। तो नई संख्या क्या है, दो अंकों की संख्या ऐसे है कि जब इसको अंकों को पलट दिया जाए तो 54 अधिक आना चाहिए। तो ये तो 0 ही आएगा, इसको करेंगे तो ये 54 तो आएगा, लेकिन ये तो छोटा है ना 28, इसको करते हैं तो इतना, तो इसमें घटाते हैं तो यहाँ भी 54 आएगा, ये अधिक है ना, अधिक है। ठीक है दोस्तों, तो आंसर 54 हो जाएगा, और सॉरी 54 नहीं 28 हो जाएगा। ठीक है, आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अच्छे अच्छे वीडियो पाते रहिए।